हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, व्हाट्सअप, हाउ आर यू? टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 9th चैप्टर 1st NCERT एंड टुडे आवर टॉपिक इज स्टेट ऑफ मैटर. व्हाट इज द स्टेट ऑफ मैटर? मैटर की स्टेट्स क्या होती हैं? मैटर की 3 स्टेट होती हैं. जो मैटर होता है उसकी स्टेट कितनी होती है? 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. देयर आर 3 स्टेट्स एग्जिस्ट अराउंड अस ऑफ मैटर दैट इज कॉल्ड सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट. ठीक है ना? तो इन 3 स्टेजेस में मैटर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं? सॉलिड स्टेट में मैटर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, लिक्विड स्टेट में इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं एंड गैसेस स्टेट में इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इन सब को आज हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं. तो लिसन टू मी क्लियरली एंड कॉन्शियसली. तो ध्यान दीजिए कि मैटर जो आपके अराउंड एग्जिस्ट हैं, मैटर एग्जिस्ट अराउंड अस आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो फर्स्ट में देखते हैं जो सॉलिड मैटर होते हैं वो किस तरह की प्रॉपर्टीज को रखते हैं. व्हाट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर? तो देखो, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी को हम देखते हैं यहां पर कि दीज हैव ए डेफिनेट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम. सॉलिड स्टेट में जो मैटर होता है उसकी एक फिक्स शेप होती है और फिक्स्ड क्या होता है, उसका वॉल्यूम होता है. जैसे ये चौक है, इसकी डेफिनेट शेप है. अगर इस चौक की शेप को एक बार मैंने देख लिया तो मैं पीछे से भी इसको टच करूँगा तो इसकी शेप को देखकर मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि ये चौक हो सकता है. ठीक है ना? इसका वॉल्यूम जो होता है वो कैसा होता है? फिक्स रहता है. इसका वॉल्यूम भी चेंज नहीं होता और इसकी शेप भी चेंज नहीं होती है. सेकंड प्रॉपर्टीज है, सॉलिड हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप. सॉलिड के अंदर ये टेंडेंसी पाई जाती है कि वो अपनी शेप को मेंटेन रखता है. यानी कि आप सॉलिड को कितना भी फोर्स बाहर से एक्सर्ट कर दो, कितना भी फोर्स हम बाहर से सॉलिड को एक्सर्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर नोट किया है कि व्हेन सब्जेक्टेड टू आउट फोर्स, आप जब बाहर से सॉलिड के ऊपर फोर्स को सब्जेक्टेड करते हो तो उस फोर्स के कारण ये जो सॉलिड होता है ये ब्रेक हो सकता है. इसके पार्टिकल्स ब्रेक हो सकते हैं और ब्रेक होकर इसके पीसेस फॉर्म हो जाएंगे. लेकिन इसके जो पीसेस बनेंगे उन पीस के भी वॉल्यूम और शेप फिक्स होगी, वो भी चेंज नहीं हो सकती. ये प्रॉपर्टी होती है सॉलिड की. नेक्स्ट वन देखते हैं, दीज आर रिजिड. ये कैसे होते हैं? रिजिड यानी कि कठोर होते हैं, ठोस होते हैं. सॉलिड कैसे होते हैं? रिजिड होते हैं. इनके अंदर पावर होती है, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉलिड मैटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ सट कर रखे होते हैं. इनके बिटवीन गैप बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होता है और हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण इनकी जो शेप होती है वो कैसी हो जाती है? रिजिड हो जाती है. क्लियर है ना? नेक्स्ट वन देखते हैं, देयर कंप्रेसिबिलिटी इज नेग्लिजिबल. इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी है, जैसे ये सॉलिड सब्सटेंस है, अगर इसको मैं कंप्रेस करूं तो क्या ये कंप्रेस हो जाएगा? क्या ये कंप्रेस हो रहा है? नहीं हो रहा है ना. तो इनकी अगर इसको और ज़्यादा मैं फोर्स करूंगा तो ये कंप्रेस तो नहीं होगा लेकिन ये ब्रेक जरूर हो जाएगा. इसलिए यहाँ पर क्या करें हम, इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो कैसी होती है? नेग्लिजिबल होती है. और एक चीज़ और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि डिफ्यूजन जो होता है सॉलिड्स का, डिफ्यूजन जो होता है सॉलिड सब्सटेंस में वो भी बहुत ही लो होता है. यानी कि कोई भी दो सॉलिड सब्सटेंस लीजिए आप, जैसे मैं एक स्टोन पीस लेता हूँ और एक चौक पीस लेता हूँ और इन दोनों को मैं डिफ्यूज करना चाहूँ तो क्या ये डिफ्यूज हो जाएंगे?
नो दीज आर नॉट डिफ्यूज्ड, तो इनकी जो डिफ्यूजन प्रोसेस होती है वो भी बहुत ही लो, वेरी वेरी लो इनकी डिफ्यूजन प्रोसेस होती है। क्लियर है? अब सॉलिड स्टेट में हम एग्जांपल्स देखते हैं कि क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे देखो, रबर बैंड, स्पंज एंड सुगर साल्ट, ये इसके एग्जांपल्स हैं। रबर बैंड आपने देखा है, रबर बैंड को जब आप स्ट्रेच करते हो, उसको खींचते हो, तो वो स्ट्रेच हो जाता है, स्ट्रेचेबल होता है ना, वो लंबा हो जाएगा। लेकिन जैसे आप उसको रिलीज करेंगे, तुरंत वो अपनी जो फॉर्मर शेप थी उसमें आ जाएगा। अगर आप पर आप उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हो, तो फोर्स ज़्यादा लगाने पर वो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स के बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसको आप स्ट्रेच करते हो फोर्स लगा के, और जैसे उसको रिलीज करते हो तो तुरंत उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। तो रबड़ बैंड क्या होता है? सॉलिड होता है। स्पंज की बात करें, स्पंज आपने देखा है, स्पंज आपने देखा होगा जिस तरह से ये एक स्पंज है, इस ये स्पंज भी एक सॉलिड सब्सटेंस है। और इसको हम सॉलिड सब्सटेंस किस तरह से मान सकते हैं कि अगर इस स्पंज को मैं कंप्रेस करूं तो ये इजी वे में कंप्रेस हो रहा है, हो रहा है ना। तो आप सोचेंगे कि सर ये कहां से सॉलिड हो गया, ये तो कंप्रेसिबल, इसकी कंप्रेसिबिलिटी तो है, लेकिन देखो अगर मैं इसको छोड़ता हूं तो ये अपनी फॉर्मर शेप में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ये अपनी फॉर्मर शेप में आ रहा है ना। क्यों आ गया? क्योंकि देखो ये जो स्पॉन्ज होती है, इस स्पॉन्ज में मिनट पोर्स होते हैं, स्पॉन्ज के अंदर क्या होते हैं? मिनट पोर्स होते हैं, और उन मिनट पोर्स के बिटवीन एयर फिल्ड होती है। जैसे आप इसको कंप्रेस करते हो तो उन मिनट पोर्स से जो एयर होती है वो बाहर निकल जाती है, और एयर बाहर निकलने से उनके बिटवीन क्या हो जाता है? वैकेंट प्लेस हो जाता है, और इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के नियरर जा सकते हैं। बट जैसे ही इसको आप छोड़ेंगे तो तुरंत उनके बिटवीन जो मिनट पोर्स थे उनमें तुरंत एयर इंटर कर जाएगी, एयर इंटर करते ही ये अपनी फॉर्मर शेप में आ जाएगा। तो दिस स्पंज इज ए सॉलिड सब्सटेंस। ओके, स्पंज भी क्या होती है? सॉलिड सब्सटेंस होती है। अब बात करते हैं हम सुगर और साल्ट की। आपने सुगर को देखा है, आपने साल्ट को देखा है। सुगर के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनकी शेप, आप एक सुगर पार्टिकल को अपने हाथ के ऊपर रखिए और उस सुगर पार्टिकल्स की शेप को आप देखिए, उसकी शेप फिक्स है, उसका वॉल्यूम फिक्स है, वो बहुत ही रिजिड है, उसमें कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही नेग्लिजिबल है, क्योंकि अगर आप उसको प्रेस करते हो तो उसके बारीक उसका क्या बन जाएगा? चूर्ण बन जाएगा, उसका चूर्ण बन जाएगा, लेकिन वो कंप्रेस तो नहीं होगा। इसी तरह से साल्ट के जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स को देखिए आप, एक पार्टिकल्स को देखिए, उसकी शेप और वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, वो बहुत ही रिजिड है और वो भी कंप्रेस नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल्स हमने सॉलिड स्टेट के लिए यहाँ पर नोट किए हैं। इसके बाद देखते हैं हम जो नेक्स्ट स्टेट होती है वो क्या होती है? लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में जो मैटर प्रेजेंट होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? तो देखो लिक्विड स्टेट में क्या होता है कि जो जितने भी लिक्विड इस नेचर के अंदर प्रेजेंट हैं उन लिक्विड का जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होती, लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती, लेकिन इनका वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। लिक्विड की शेप तो फिक्स नहीं होती लेकिन इनका वॉल्यूम कैसा होता है? फिक्स होता है। समझ में आ रही बात? वॉल्यूम कैसा होता है इनका? फिक्स होता है। तो देखो बेटा इनकी शेप क्यों फिक्स नहीं होती? क्योंकि आप लिक्विड को जिस कंटेनर के अंदर भरोगे ये लिक्विड उसी कंटेनर की शेप ले लेता है। अगर आप इसको ग्लास के अंदर फिल करते हो तो ग्लास शेप ले लेगा, अगर आप इसे कटोरी के अंदर वॉल के अंदर भरते हो तो वे वॉल की शेप ले लेगा, किसी भी एपरेटस में किसी भी यूटेंसिल्स में आप इसको फिल करिए उसी की शेप ले लेगा, लेगा कि नहीं लेगा। इसलिए इसका जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है। दे टेक्स अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर कैप्ट।
ये उसी कंटेनर की सेप ले लेते हैं जिसके अंदर इनको रखा गया है या भरा गया है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है, दीज आर नॉट रिजिड, ये रिजिड नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि जो लिक्विड कंपोनेंट्स हैं उन लिक्विड कंपोनेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स सॉलिड की तरह इस तरह से इस एक दूसरे के बिल्कुल सटे हुए नहीं रखे होते हैं, इनके बिटवीन हल्का सा इस तरह से गैप होता है और फोर्स ऑफ एट्रैक्शन टू मॉलिक्यूल्स के बिटवीन इंस्टेड ऑफ सॉलिड्स मैटर्स लेस होता है। सॉलिड मैटर की अपेक्षा लिक्विड मैटर में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल्स के बिटवीन वो लेस होता है, ठीक है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इनके मॉलिक्यूल्स के बिटवीन क्या होता है? गैप होता है, गैप होता है, थोड़ा सा वैकेंट प्लेस होता है, इसलिए ये रिजिड स्टेट में नहीं होते हैं, ये ईजी वे में इधर उधर फ्लो कर सकते हैं। जो लिक्विड्स होते हैं वो फ्लो कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना फ्लो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं, दीज आर नॉट रिजिड एंड कैन फ्लोस, इसलिए इनको हम क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं फ्लूड, इनको क्या बोल सकते हैं? हम फ्लूड बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन है, दियर कंप्रेसिबिलिटी इज मोर देन सॉलिड बट लेस देन गैस। जो लिक्विड्स होते हैं उनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है, लिक्विड्स के बिटवीन जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो सॉलिड से तो ज़्यादा होती है लेकिन गैस से कम होती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये दीज आर टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी लिक्विड और ये मॉलिक्यूल्स इस पोजीशन में होते हैं, इनके बिटवीन गैप होता है। अगर इनको आप कंप्रेस करना चाहो तो ये कंप्रेस हो सकते हैं ना, इनके बिटवीन गैप है, कंप्रेस हो सकते हैं। लेकिन गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बिटवीन गैप ज़्यादा होता है तो उनकी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होगी। सॉलिड के बिटवीन बिल्कुल भी गैप नहीं होता इसलिए उनकी कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है। तो लिक्विड जो सब्सटेंस है वो कंप्रेसिबल हो सकते हैं ना, तो इनमें कंप्रेसिबिलिटी पाई जाती है। कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो सॉलिड से तो कम होती है, सॉलिड जो मैटर हैं उनसे तो कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है लेकिन गैस से कम होती है। लेकिन गैस से कैसी होती है? कम होती है। नेक्स्ट वन देखते हैं, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज हायर देन सॉलिड। डिफ्यूजन की जो रेट है, डिफ्यूजन मींस होता है कि जब आप कोई भी दो लिक्विड सब्सटेंस लेते हो और दो लिक्विड सब्सटेंस को आपस में आप मिक्सड अप करते हो, ठीक है ना, लाइक आपको लेमन वाटर फॉर्म करना है, नींबू पानी बनाना है आपको, तो नींबू पानी बनाने के लिए आप लोग क्या करते हो कि नींबू का जो रस होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है और जो वाटर आप लेते हो वो भी लिक्विड स्टेट में है, दोनों के दोनों लिक्विड स्टेट में है ना। तो नींबू वाटर जो होगा वो जैसे ही उस नींबू रस को आप पानी के अंदर डालोगे तो वो नींबू का जो रस होगा वो उस वाटर के अंदर डिफ्यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिफ्यूज हो जाएगा, उसमें मिक्सर हो जाएगा। तो कोई भी दो लिक्विड जैसे अल्कोहल लीजिए आप, अल्कोहल को के अंदर आप वाटर डाल दीजिए तो अल्कोहल और वाटर एक दूसरे के साथ मिक्सर अप हो जाते हैं, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो कोई भी टू लिक्विड्स, टू और मोर देन टू लिक्विड्स आर मिक्स्ड विद ईच अदर इजिली, सो वी कैन से दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज हायर देन सॉलिड्स। सॉलिड्स की अपेक्षा इनके अंदर जो डिफ्यूजन की रेट होती है वो हायर होती है, क्योंकि सॉलिड्स में एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैंने बताया था कि अगर मैं सॉलिड सब्सटेंस साल्ट ले लूँ, सॉलिड सब्सटेंस शुगर ले लूँ, दोनों को डिफ्यूज करना चाहूँ तो डिफ्यूज नहीं हो सकते, नहीं हो सकते ना, दोनों सॉलिड सब्सटेंस डिफ्यूज नहीं होते, वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं होते, उनके पार्टिकल्स को आप अलग अलग कर सकते हो। लेकिन नींबू के रस को और पानी को जब आपने मिला दिया तो उनके पार्टिकल्स को आप अलग अलग नहीं कर सकते, तो इसमें डिफ्यूजन ज़्यादा होता है, ठीक है ना। इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं हम, वाटर, मिल्क, जूस,
एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं, ये सब एग्जांपल्स हैं लिक्विड स्टेट में। अब थर्ड लास्ट स्टेट ऑफ मैटर इज गैस। इस स्टेट में देखते हैं कि गैसियस स्टेट में जो सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं उनका शेप फिक्स नहीं होता है, उनका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। इनके अंदर जो कंप्रेसिबिलिटी पाई जाती है, गैसियस सब्सटेंस में जो कंप्रेसिबिलिटी पाई जाएगी वो हायर होती है। गैसियस सब्सटेंस में जो कंप्रेसिबिलिटी होती है ना वो हायर होती है देन सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड दोनों से इसके अंदर जो कंप्रेसिबिलिटी पाई जाती है गैसियस सब्सटेंस के अंदर वो कैसी होती है, हायर होती है। क्योंकि गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बिटवीन गैप बहुत ज़्यादा होता है। गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनके बिटवीन गैप बहुत ज़्यादा होता है। जैसे सॉलिड इस जगह पर था, लिक्विड इस जगह पर था, तो गैसेस इस जगह पर होंगे गैस पार्टिकल्स। अब गैस पार्टिकल्स को आप कंप्रेस करो तो ये बहुत ज़्यादा कंप्रेस होंगे कि नहीं होंगे, तो कंप्रेसिबिलिटी गैस के अंदर सबसे ज़्यादा है। और देखो कंप्रेसिबिलिटी का आपको एग्जांपल बताता हूँ, यही कारण होता है कि आपने सुना होगा सीएनजी एंड एलपीजी जो गैसेस होती हैं उनको आप सिलेंडर के अंदर इजी वे में फिल कर सकते हो। करते हैं कि नहीं करते हम सिलेंडर के अंदर उनको फिल? तो गैसेस सीएनजी और एलपीजी जो गैसेस स्टेट में होती हैं उनको कंप्रेस किया जाता है लोअर टेम्परेचर हायर प्रेशर पर, तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती हैं और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करके उनको इजी वे में सिलेंडर के अंदर फिल कर दिया जाता है। तो कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है तभी तो फिल हो गए, ठीक है ना। देखो द डिफ्यूजन प्रॉपर्टी इज वेरी फास्ट इनटू अदर गैस। गैसेस के अंदर जो डिफ्यूजन प्रॉपर्टी होती है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों से ही ज़्यादा फास्ट होती है। कैसे हो सकती है, जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दूं, आप एयर को जानते हो, जो एयर विच प्रेजेंट अराउंड अस एंड विच प्रोवाइड टू अस ऑक्सीजन गैस फॉर ब्रीथिंग। हमारे लिए जो ऑक्सीजन गैस हमारे सांस के लिए हमारी ब्रीथ के लिए जो एयर प्रोवाइड कराती है वो आपके चारों तरफ प्रेजेंट होती है। इस एयर के अंदर डिफरेंट गैसेस का मिक्सर है, एयर जो होती है वो डिफरेंट गैसेस का मिक्स है, ठीक है ना। इसके अंदर नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, CO2 गैस भी प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन गैस भी प्रेजेंट होती है, कुछ इनर्ट गैसेस भी इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, कुछ पॉल्यूटेड गैसेस भी इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो कितनी सारी गैसेस एक दूसरे के साथ डिफ्यूज्ड होकर यहाँ पर प्रेजेंट है ना। तो डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है वो गैसेस के अंदर वेरी फास्ट होती है इंस्टेड ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है ना। नेक्स्ट वन देखते हैं, गैस पार्टिकल्स मूव रेंडमली इन फास्ट स्पीड। गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो रेंडमली फास्ट स्पीड में मूव करते हैं। फास्ट स्पीड में मूव क्यों करते हैं, क्योंकि गैस पार्टिकल्स जो होते हैं इनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और काइनेटिक एनर्जी को लेकर ये इजी वे में इधर उधर मूव कर जाते हैं। और ये रेंडमली मूव का मतलब, रेंडमली मूव का मतलब होता है कि जैसे गैस पार्टिकल इस तरह से एक दूसरे के पीछे लगे रखे हैं, तो जब इनका मूवमेंट स्टार्ट होगा तो हो सकता है बीच वाला पार्टिकल्स यहाँ से मूव कर जाए, हो सकता है पीछे वाला पार्टिकल मूव कर जाए, पहले पीछे वाले पार्टिकल ने मूव किया, फिर अगले वाले पार्टिकल ने मूव किया, फिर बीच वाले पार्टिकल ने मूव किया, तो ये रेंडमली मूवमेंट इसके अंदर हो सकता है। और इसका एग्जांपल हम सीएनजी एलपीजी और एयर के रूप में यहाँ पर आपको नोट कर रहे हैं। सीएनजी मींस कंप्रेसिबल नेचुरल गैस, कंप्रेस नेचुरल गैस जो फ्यूल के फॉर्म में यूज की जाती है व्हीकल्स में। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो भी एक फ्यूल की फॉर्म में यूज की जाती है आपकी किचन के अंदर, और एयर मैनी गैसेस का मिक्स होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चों आज हमने देखा है स्टेट ऑफ मैटर। आप स्टेट ऑफ मैटर में सबकी प्रॉपर्टीज़ ठीक से चेक करो और प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हमने इसको आपको एग्जाम्पल्स जो हैं एग्जाम्पल्स को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। ओके, मैटर की
जो फॉर्म होती हैं उसमें भी आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। मैटर की जो शेप बताई थी ना आपको, मैटर की जो शेप होती हैं उन शेप्स को हम देख सकते हैं। देखो सॉलिड स्टेट में तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस तरह से एक दूसरे के नज़दीक रखे हुए हैं, इसलिए रिजिड होते हैं, कोई गैप नहीं होता इनके बिटवीन, इसलिए इनका डिफ्यूजन भी बहुत नेग्लिजिबल होता है, ठीक है ना, कंप्रेसिबिलिटी भी नेग्लिजिबल है। लेकिन लिक्विड स्टेट में ये इस तरह से होते हैं पार्टिकल्स, लिक्विड स्टेट में, ठीक है ना, और इनके बिटवीन गैप है, तो ये रिजिड भी नहीं है, कंप्रेसिबिलिटी भी है और डिफ्यूजन भी इसके अंदर हो सकता है। और गैसेस के अंदर देखें तो इसके पार्टिकल्स इतने गैप से होते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर डिफ्यूजन इजी वे में हो सकता है, या दूसरे पार्टिकल्स आ सकते हैं ना बीच में, ठीक है ना, और इनमें कंप्रेसिबिलिटी भी हो सकती है ना। तो ये पार्टिकल्स की पोजीशन होती है तीनों स्टेट्स में पार्टिकल्स की पोजीशन होती है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इजी वे में इनको हम ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है, ओके।